सांखला कुल्फी चार नग रेगुलर 100 रुपए, सांखला कुल्फी चार नग स्मॉल 50 रुपए, शुगर फ्री कुल्फी 34 रुपए, सांखला आइसक्रीम कप 20 रुपए, वनीला पार्टी पैक 700 ml 60 रुपए, बटर स्कॉच पार्टी पैक 700 ml 80 रुपए, वनीला पार्टी पैक 1250 ml 110 रुपए, बटर स्कॉच पार्टी पैक 1200 ml 120 रुपए, ओरियो पार्टी पैक 1000 ml 150 रुपए, बटर स्कॉच पार्टी पैक 4 लीटर 380 रुपए, वनीला पार्टी पैक 4 लीटर 300 रुपए। सांखला कुल्फी में और भी बहुत कुछ कूल कूल, अन्य स्वादिष्ट फ्लेवर में भी बहुत कुछ उपलब्ध। ऑफर स्टॉक की उपलब्धता पर मेन काउंटर, सांखला कुल्फी, रेलवे क्रॉसिंग, स्टेशन रोड, बीकानेर। कॉन्टैक्ट 8279210642। सिंथेसिस ग्रुप ऑफ एजुकेशन, वी सिंथेसाइज योर ड्रीम्स। सिंथेसिस ग्रुप ऑफ एजुकेशन, द ओनली फास्टेस्ट ग्रोइंग इंस्टीट्यूट ऑफ नॉर्थ इंडिया, बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन बीकानेर, उत्तर पश्चिम राजस्थान का लार्जेस्ट फैकल्टी टीम वाला एकमात्र संस्थान, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक ST इन एम्स 2017 एंड नीट 2016, ICAR 2014 में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक ओवरऑल, नीट AIPMT RPMT में अब तक 1603 सिलेक्शन, एम्स में 125 सिलेक्शन, NIT और IIT में 87 सिलेक्शन, दो बार RPAT में पूरे राजस्थान में पहली रैंक और 3 बार RPVT में फर्स्ट रैंक। कम एंड विजिट सिंथेसिस ग्रुप ऑफ एजुकेशन। एडमिशन स्टार्ट्स फॉर क्लासरूम स्टडी प्रोग्राम्स, जहां होंगे रेगुलर डाउट सॉल्विंग क्लासेस, लॉन्ग ईयर लेवल टेस्ट सीरीज फॉर एम्स, नीट, IIT, JEE। इसके साथ ही 80% से ज्यादा अंक लाने वाले स्टूडेंट्स को सिंह जी स्कॉलरशिप। सिंथेसिस ग्रुप ऑफ एजुकेशन, ज्ञान टावर, नियर शिव बाड़ी सर्कल, ओल्ड शिव बाड़ी रोड, बीकानेर। कॉन्टैक्ट 0151-220-6735, 8003094891 और 92 और 93। वेबसाइट www.synthesis.ac.in। आपका एक राइट स्टेप आपके आने वाले कल को बेहतर बना देता है, तो ले राइट स्टेप और इन्वेस्ट करें 200 फीट जयपुर जोधपुर बाईपास पर फ्री होल्ड पट्टेशुदा प्लॉट्स में मात्र 7500 की मासिक किश्तों में। राइट स्टेप जो लेकर आया है बीकानेर में पहली बार अपने प्लॉट खरीद पर 90% तक का कैशबैक ऑफर, आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं बीकानेर अब तक। मैं हूं आपके साथ शिवांगी शर्मा। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों का। सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज पैरा मेडिकल विद्यार्थियों द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन PBM ब्लड बैंक में। लिखमीसर गांव में करंट की चपेट में आए व्यक्ति की इलाज के दौरान हुई मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने विद्युत GSS का किया घेराव और विरोध प्रदर्शन। शहर में भरने लगा बदमाशों का आतंक, गंगा शहर इलाके में सुबह 4 बजे किए 15 राउंड फायर, आरोपी हुए CCTV कैमरे में कैद। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल रहे बीकानेर दौरे पर, की घर में जन सुनवाई। नगर निगम 2018 की भर्ती में लगे हुए सफाई कर्मचारियों को उनके मूल पदों पर लगाने की मांग को लेकर किया सद्बुद्धि यज्ञ। अब खबरें विस्तार से। बीकानेर जिले के लिखमीसर गांव में करंट के चपेट में आए व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। करंट के चपेट में आकर झुलसे मूलाराम मेघवाल का बीकानेर के PBM अस्पताल में इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान मौत होने पर आक्रोशित ग्रामीणों ने विद्युत GSS कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए लिखमीसर दिखनादा गाँव में विद्युत GSS का घेराव और विरोध प्रदर्शन किया। GSS कार्मिकों को भी बंधक बना लिया। किसान नेता विवेक की अगुवाई में ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए मृतक के परिवार को 5 लाख मुआवजा और मृतक के परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी देने की मांग की।
विवेक माचरा का कहना था कि विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते यह सब हुआ। दोषी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जानकारी के अनुसार 3 दिन पूर्व मूलाराम मेघवाल GSS से शटडाउन लेकर अपने खेत में विद्युत कार्य कर रहा था। इसी दौरान अचानक बिजली चालू रह गई, जिससे करंट लगने से उसकी मौत हो गई। बिजली विभाग मुर्दाबाद, डूंगरगढ़ AN मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, डूंगरगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद, डूंगरगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद। बीकानेर शहर में भी भरने लगा है बदमाशों का आतंक। गंगा शहर इलाकों में बदमाशों ने अल सुबह 4 बजे फायरिंग के 15 राउंड फायर करी। घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। गंगा शहर स्थित नोखा रोड की घटना है। गंगा शहर पुलिस मामले की जांच कर रही है, साथ ही पुलिस ने गोलियों के खोल भी किए बरामद। फायरिंग से मकान के शीशे भी टूटे। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर दौरे पर रहे। मंत्री मेघवाल यहां पर विभिन्न स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत की, साथ ही मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संसद सेवा केंद्र में जनसुनवाई भी की। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर मंत्री के पास पहुंचे और ज्ञापन भी सौंपे। वहीं ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे से प्रभावित नोखा कोलायत व लूणकरण क्षेत्र में किसान भी मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से मिले। दो कंपनी अपने जिले के लिए अधिकृत थी, उसको क्लेम डाला हुआ है किसानों के। हमारे संवाददाता ने की केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से बातचीत। जामनगर कांडला पोर्ट को जोड़ने के लिए एक बहुत बड़ी योजना है भारत सरकार की, ग्रीन एक्सप्रेस वे, उसको इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बोलते हैं। 21,000 करोड़ की योजना है, उसमें मुआवजे को लेकर के किस किसानों को आपत्ति है। तो कुछ किसान लूणकरण सर के, कोलायत के, नोखा के आज मिले थे सुबह। दोनों हमारे माननीय विधायक भी बिहारीलाल जी बिश्नोई और सुमित गुदारा जी भी आए हुए थे साथ में। मैंने सुना है किसानों का पक्ष, और मैं किसानों का पक्ष भारत सरकार के समक्ष रखूंगा, ये मैंने आश्वासन दिया है। पूरा मुआवजा मिले ऐसा हम प्रयास करेंगे। अमरचंद बाठिया पुरस्कार समारोह 11 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। यह समिति और रातेघाटी समिति के संयुक्त बैठक आज श्री नरेंद्र सिंह बीका की अध्यक्षता में श्री पंच मंदिर में संपन्न हुई। बैठक में आज शहीद अमरचंद बाठिया का 162वां बलिदान दिवस मनाया गया। वहीं शहीद बाठिया को 22 जून 1858 को अंग्रेजों ने ग्वालियर में फांसी दी थी। बाठिया बीकानेर निवासी थे। अमरचंद बाठिया की स्मृति में उनके वंशज किशोर बाठिया द्वारा प्रतिवर्ष 3100 रुपए प्रशस्ति पत्र आदि पुरस्कार से सम्मानित किया जाता रहा है। 1857 की क्रांति रात अंग्रेजों ने पहला शिकार झांसी की रानी की मृत्यु 18 जून में हुई। तुरंत बाद 1020 में ग्वालियर में मेरी स्मृति ने सुंदर सुचेरित करके देश की विशेष सेवा करने वाला प्रजा में सुचेरित करके दो और पुरस्कार विशेष समारोह पूर्वक प्रदान कराना। और हमारे संवाददाता ने की रातेघाटी महामंत्री से बातचीत। संयुक्त तत्वावधान में अमर शहीद सेठ अमरचंद जी बांठिया की स्मृति में यह समारोह आयोजन करो गयो। सेठ अमरचंद जी बांठिया जी का है भाई ग्वालियर रे मायने 1857 स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों द्वारा सबसे पहली फांसी क्या दी गई। 18 जून ने झांसी की रानी रो और बलिदान होने के तुरंत बाद 22 जून ने बहने फांसी दी। बीर बाद बहने पुत्र ने भी तोप रे गोले से उड़ा दियो। वह आप ग्वालियर राज्य का दीवाना और ग्वालियर राज्य की सारी संपत्ति स्वतंत्रता वास्ते तांत्या टोपी और झांसी रानी ने दे दी। बीर अलावा निजी संपत्ति भी मैं दान दे दी। मैं स्वयं भी एक बहुत बड़ा सेनापति है। आगामी 11 अगस्त ने बयानी स्मृति में दो प्रसिद्ध योद्धावा ने अथवा स्वतंत्रता सेनानियों में से कोई दो लोगों ने चयनित करके समारोह पूर्वक पुरस्कार प्रदान किया जावेला। नगर निगम 2018 भर्ती में लगे हुए सफाई कर्मचारियों द्वारा उनके मूल पदों पर लगाने की मांग को लेकर आज बीकानेर नगर निगम भंडार गृह में सफाई कर्मचारियों ने सद्बुद्धि यज्ञ किया। सफाई कर्मचारियों ने आयुक्त को सद्बुद्धि मिले इसके लिए मंगल कामनाएं करते हुए हवन में आहुतियां दी। आहुतियां दे रहे सफाई कर्मचारियों का कहना है कि स्वायत्त शासन विभाग ने स्पष्ट आदेश जारी किए हैं कि वर्ष 2018 की भर्ती में लगे हुए सफाई कर्मचारियों को उनके मूल पदों पर ही लगाया जाए।
अर्थात उनसे वही कार्य करवाया जाए जिसके लिए वो निगम में भर्ती हुए। लेकिन बीकानेर नगर निगम सफाई कर्मचारी भर्ती में लगे हुए कर्मचारी मूल पदों पर कार्यरत न होकर दूसरे काम कर रहे हैं। ऐसे में बीकानेर शहर की सफाई व्यवस्था भी चौपट हो रही है। सफाई कर्मचारियों ने मांग नहीं माने जाने पर सोमवार से कार्य बहिष्कार की चेतावनी भी दी है। भगवान नगर निगम आयुक्त को सद्बुद्धि दे, 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 सद्बुद्धि दे, नगर निगम आयुक्त को सद्बुद्धि दे, नगर निगम कमिश्नर को सद्बुद्धि दे, कमिश्नर को। हमारे संवाददाता ने की शिवलाल तेजी से बातचीत। देखिए 17 मई 2019 को राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग ने एक आदेश जारी किया है कि 2018 में जो सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है उन सब कर्मचारियों को अन्य काम की बजाय सफाई का कार्य ही लिया जाए। इस संबंध में हमने जो है नगर निगम के आयुक्त को और माननीय जिला कलेक्टर साहब को जो है ज्ञापन दिया है और ज्ञापन देकर उनसे मांग की है कि जो मूल पद पर नहीं लगे हुए हैं 2018 की भर्ती के सफाई कर्मचारी उनको मूल पद पर लगा के बीकानेर की शहर की सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। इस बात पर हमारा जो है आयुक्त नगर निगम बीकानेर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, अपने कानों में तेल डाल के बैठा हुआ है और हमारी जायज को बात को मान नहीं रहा है। हमने उनको कार्य बहिष्कार का भी जो है नोटिस दे रखा है। अभी बरसात का मौसम है, गर्मी है, बीकानेर की जनता को कोई असुविधा नहीं हो ऐसा हमारा भाव नहीं है। उसके बाद भी आयुक्त अपने अड़ियल रवैये पर जो है अड़ा हुआ है और उसके अड़ियल रवैये के कारण से बीकानेर की सफाई व्यवस्था को हम सब लोगों को कार्य बहिष्कार करके ठप करना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है। वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, बने रहिए हमारे साथ। प्रवेश प्रारंभ बीकानेर पब्लिक स्कूल BPS CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित DG बोर्ड से पढ़ाई करवाने वाला अंग्रेजी माध्यम स्कूल जहां होता है आपके बच्चे का सर्वांगीण विकास। BPS जहां शिक्षा के साथ स्वास्थ्य और करियर मार्गदर्शन पर दिया जाता है विशेष ध्यान। सर्व सुविधाओं से युक्त बीकानेर का पहला वातानुकूलित स्कूल, शहर के हर कोने से बच्चों को लाने ले जाने की माकूल व्यवस्था, खेल कूद की सभी सुविधाएं, प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए अलग से कक्षाएं। तो आज ही आएं और अपने बच्चे को प्रवेश दिलाएं। बीकानेर पब्लिक स्कूल, कम फीस में बेहतर शिक्षा। तो आएं बीकानेर पब्लिक स्कूल, बी ब्लॉक करनी नगर, लालगढ़, बीकानेर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9413730794, 0151253-0794। चाट बाजार AC रेस्टोरेंट जसूसर गेट के अंदर SBI बैंक के सामने बीकानेर। चाट बाजार जहां सब कुछ एक ही छत के नीचे आपके लिए, लजीज फास्ट फूड, जूस, नाश्ता, ब्रेकफास्ट और भी बहुत कुछ। चाट बाजार जसूसर गेट, चाइनीज फूड, साउथ इंडियन, देसी फूड, कई तरह के स्वादिष्ट पराठे, नाश्ता, फ्रेश जूस, रियल जूस। चाट बाजार जसूसर गेट, ठंडा ठंडा कूल कूल बर्फ कोला, आइसक्रीम की ढेरों वैरायटी। चाट बाजार पैकिंग चिप्स, केक, स्पेशल मद्रासी कुल्फी, स्लाइस मसाला डोसा। चाट बाजार AC रेस्टोरेंट, ड्रीम ऑफर के साथ विशेष छूट भी आपके लिए, परिवार के लिए। चाट बाजार AC रेस्टोरेंट, अपनों के लिए अपनों जैसा। जसूसर गेट SBI बैंक के सामने बीकानेर। SDP मेमोरियल स्कूल, को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल, एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर कंडीशन्ड क्लासरूम्स, स्मार्ट क्लासरूम्स, कवर्ड स्विमिंग पूल, वेल इक्विप्ड साइंस लैब, अट्रैक्टिव एंड एनहांस्ड लैंग्वेज एंड कंप्यूटर लैब्स, डांस एंड म्यूजिक रूम, लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम विद अ ग्रेट अकोमोडेशन, सिस्टमैटिक एंड होलिस्टिक टीचिंग अप्रोच, इनकॉर्पोरेशन ब्रेन एक्सरसाइज एंड स्मॉल ग्रुप अप्रोच, कमिटेड एंड डेडिकेटेड फैकल्टी फॉर एक्सीलेंट एकेडमिक अचीवमेंट, इफेक्टिव स्टूडेंट टीचर रेशियो 25:1, stress free, bias and independent learning atmosphere, emphasis on playway methods for preschool, LKG, UKG and grade 1, admission open for nursery to 12th, SDP Memorial School, Sri Dwarkapuri, inside Jasusar Gate, Bikaner. New campus, Sector 3, Muralidhar Vyas Nagar, Bikaner. Mobile 9983995831, 9983322831, 9875273831, 9610447606। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। व्यास कॉलोनी स्थित श्री राम क्लासेस में आज विशाल स्तर पर प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन किया गया।
जिसमें 228 विद्यार्थियों ने भाग लिया। संस्था निदेशक ईश्वर लाल चौधरी ने बताया कि RAS की तैयारी करने के इच्छुक विद्यार्थियों की खोज करने व साथ ही प्रतिभावान विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करके समाज हित में यह कार्य किया जा रहा है। इस परीक्षा के माध्यम से श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों को छात्रवृत्ति के साथ सम्मानित भी किया जाएगा। 1 जुलाई से प्रारंभ होने वाले नए बैच में इन्हें संपूर्ण तैयारी का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही इस परीक्षा में ग्रामीण छात्र छात्राओं ने विशेष रूप से भाग लिया। हमारे संवाददाता ने की श्री राम क्लासेस संस्थापक ईश्वर लाल चौधरी से बातचीत। आज श्री राम क्लासेस में प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन किया गया है और इस प्रतिभा खोज परीक्षा में हमने उन विद्यार्थियों को शामिल किया है जिन्होंने हाल ही में 12th पास की है और सिविल सर्विसेज के लिए हम उनको टैलेंट सर्च के हिसाब से यहाँ एग्जाम का आयोजन करवा रहे हैं, जिसमें जो स्टूडेंट IAS और RAS की तैयारी करना चाहते हैं और उसमें इंटरेस्टेड है उनका हम एक प्रतिभा खोज परीक्षा करवा रहे हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार के, और इन क्वेश्चन को स्टूडेंट 1 घंटे में सॉल्व करेगा और ये क्वेश्चन स्टूडेंट के मेंटल एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस से जुड़े होंगे। जनरल अवेयरनेस जो आसपास घटनाएँ घटती है उनके बारे में स्टूडेंट कितना जागरूक है, और यही चीज़ें सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए अपेक्षाएं की जाती है आयोग के द्वारा। UPSC इनका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, उसके हिसाब से जो स्टूडेंट यहाँ परफॉर्मेंस करेंगे टॉप 10 स्टूडेंट और टॉप 20 स्टूडेंट और टॉप 3 स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलेगी संस्था की ओर से, और ये स्कॉलरशिप का प्रावधान टॉप 3 स्टूडेंट को 100% स्कॉलरशिप है जिसमें पर स्टूडेंट को 62,000 रुपये के हिसाब से दिया जाएगा, और टॉप 10 स्टूडेंट को 50% का है, टॉप 20 को 25% का स्कॉलरशिप का प्रावधान है, और ये 1 वीक के अंदर इसका रिजल्ट आ जाएगा और 1 जुलाई से नया जो बैच स्टार्ट करेंगे उसमें उन स्टूडेंट को शामिल किया जाएगा जो इसमें परफॉर्मेंस करेंगे। वही की अभिभावकों से भी बातचीत। मेरा नाम शंकर है, ऑनलाइन से परीक्षा दिलाने के लिए मैं चाहूँगा कि मेरे बच्चों को यहाँ श्रीराम क्लासेज में परीक्षा दिलवाने के लिए उसका सिलेक्शन हो जाए तो बहुत बढ़िया है, इसलिए अपन अपने बच्चे को लेकर आए हैं। श्रीराम क्लासेज में आपका श्रीराम क्लासेज का आपका भी नाम सुना है, इसलिए अपन यहाँ इधर आए हैं। दंतो मंदिरी खजवाला तहसील जिला जी। क्या नाम है आपके? सुनीता शर्मा। सुनीता शर्मा, तो आपको कैसे सूचना मिली कि यहाँ पे इस तरह का आयोजन हो रहा है? वो कल रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, अच्छी सलाम से सुना हमने, बहुत अच्छी कोचिंग करवा रहे हैं। सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज में पैरा मेडिकल विद्यार्थियों द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन PBM परिसर स्थित ब्लड बैंक में किया गया, जिसमें DMLET, DOPTT, DRT व BRT सभी कोर्सेज के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस कैंप में अधिकांश युवाओं ने पहली बार ब्लड डोनेशन किया। गौरव जैन व देवेश मीणा ने विद्यार्थियों को अधिक से अधिक रक्तदान हेतु संबोधित किया एवं समस्त कार्यरत लैब टेक्नीशियन का भी संपूर्ण योगदान रहा। हमारे संवाददाता ने की इदरीश अहमद जोया से बातचीत। राजस्थान पैरामेडिकल के सभी लेबोरेटरी स्टूडेंट ने राज्य हित में सरकार के हित में
और अपनी ट्रेनिंग की और भावी जो परीक्षाएं चल रही उसको देखते हुए 50 के लगभग सभी ने स्टूडेंटों ने जिसमें खासकर गर्ल्स और वो दोनों ने मिलकर अपना रक्त दिया है और सभी ने पहली बार रक्तदान किया है राज्य हित में। और सरकार से ये भी मांग की है कि शीघ्र ही जो पैरामेडिकल स्टूडेंट जिन्होंने ट्रेनिंग सफलतापूर्वक कर ली है और उनको राज्य में जो 1350 पद रिक्त चल रहे हैं उन पर शीघ्र इनको नियुक्ति दी जाए ताकि जनता को इनके हित कार्यों का हित लाभ जरूर जल्दी से जल्द मिले। हमारे संवाददाता ने की पैरामेडिकल विद्यार्थी से बातचीत। पैरामेडिकल के सभी स्टूडेंट्स ने मिलकर ये कैंप ऑर्गेनाइज किया, उसमें हम सब ने भाग लिया, हमें बहुत अच्छा लगा और मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट करा और सब बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैंने किसी के लिए कुछ किया है, क्योंकि आज तक अपनी वजह से खुद की तरफ से मैंने कभी लोगों के लिए कुछ नहीं किया, फर्स्ट टाइम करके मुझे बहुत। गर्मी का तेवर फिर गहराने लगा है, जहां एक और सड़कें सूनी नजर आ रही हैं तो वहीं दूसरी ओर मुख्य मार्गों पर भी सन्नाटा छाया हुआ दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग की माने तो अगले 3-4 दिन तक मौसम ऐसा ही रहने की उम्मीद जताई जा रही है। श्री विश्वकर्मा नाट्य संगीत कला संस्थान एवं मुरली कला संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित बीछवाल केंद्रीय कारागृह में संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मेघराज नागल की अध्यक्षता में हुए संगीत कार्यक्रम में कैदियों ने भी संगीत कार्यक्रम में खूब आनंद लिया। एक नजर फिर से आज की सुर्खियों पर। पैरामेडिकल विद्यार्थियों द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन पीबीएम ब्लड बैंक में। लिखमीसर गांव में करंट की चपेट में आए व्यक्ति की इलाज के दौरान हुई मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने विद्युत जीएसएस का किया घेराव और विरोध प्रदर्शन। शहर में बढ़ने लगा बदमाशों का आतंक, गंगा शहर इलाके में सुबह 4 बजे किए 15 राउंड फायर, आरोपी हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल रहे बीकानेर दौरे पर, की घर में जन सुनवाई। नगर निगम 2018 की भर्ती में लगे हुए सफाई कर्मचारियों को उनके मूल पदों पर लगाने की मांग को लेकर किया सद्बुद्धि यज्ञ। चलते चलते देखते हैं आज का क्या है विचार। बीकानेर की तमाम खबरों से अपडेट रह सकते हैं कहीं भी और कभी भी अपने मोबाइल पर। अपने मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और बीकानेर अब तक ऐप कीजिए डाउनलोड। बीकानेर की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बीकानेर अब तक। शिवांगी शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। राइट स्टेप आपके आने वाले कल को बेहतर बना देता है, तो ले राइट स्टेप और इन्वेस्ट करें 200 फीट जयपुर जोधपुर बाईपास पर फ्री होल्ड पट्टेशुदा प्लॉट्स में मात्र 7,500 की मासिक किश्तों में। राइट स्टेप जो लेकर आया है बीकानेर में पहली बार अपनी प्लॉट खरीद पर 90% तक का कैशबैक ऑफर, आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं।